हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज द लेआउट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है? एक ग्रुप की लेआउट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप रोल्स, नॉर्म्स, कन्फर्मिटी, वर्क प्लेस बिहेवियर, स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप स्टेटस, सोशल लोफिंग, कोहॉर्ट्स, ग्रुप डेमोग्राफी एंड कोहेसिवनेस। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है? एक लेआउट है ग्रुप की, कि कैसे ग्रुप का हम कॉम्बिनेशन में क्या यूज़ करते हैं, क्या रोल होते हैं हमारे, क्या नॉर्म्स हैं, वर्क प्लेस में बिहेवियर कैसा है, स्टेटस कैसा है, कोहेसिवनेस कैसी है ग्रुप की, ये सब हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है। ग्रुप कोहेसिवनेस मीन्स द डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ़ द मेम्बर्स टू देयर ग्रुप। ग्रुप इसमें देखते हैं कि ग्रुप के मेम्बर्स की आपस में अटैचमेंट कैसी है। इफ़ ग्रुप कोहेशन इज़ हाई, द इंट्रैक्शन बिटवीन मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप इज़ हाई। अगर उनमें आपस में मेम्बर्स में इंट्रैक्शन अच्छी है तो कोहेशन उनकी ज़्यादा होगी। द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट इन ग्रुप ओपिनियन इज़ हाई। जो भी वो एक बंदा ओपिनियन देता है, दूसरे उसके साथ अग्री करते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा कोहेशन है उतना ग्रुप डिसीजन में अग्रीमेंट भी ज़्यादा होगा। फीचर्स ऑफ ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन की कौन कौन सी फीचर्स हो सकती हैं? द मेंबर शेयर द ग्रुप गोल्स एंड नॉर्म्स, हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड्स। उनके कॉमन बैकग्राउंड होंगे, इंटरेस्ट एक होंगे और ग्रुप के गोल और रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेम होंगे। द नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर इज स्मॉल। जितना ज़्यादा छोटा ग्रुप होगा उतने ज़्यादा ही कोहेशन होगी। द मेंबर्स इंट्रैक्शन अमंग देमसेल्व क्वाइट फ्रीक्वेंटली, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव। यहाँ पर मेंबर्स की जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है और उनका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है। लॉयल्टी अमंग द मेंबर इज हाई। उन लोगों में आपस में लॉयल्टी बनी होती है, एक ट्रस्ट और विश्वास बना होता है। द मेंबर्स स्टैंड यूनाइटेड। वो सभी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। द ग्रुप हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पास्ट सक्सेस। उन्होंने जो भी सक्सेस अचीव की होती है उसमें एक पास्ट हिस्ट्री होती है उनकी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द ग्रुप। जहाँ पर कितना डिग्री में कोहेसिवनेस है वो ग्रुप पर डिपेंड करती है। साइज़ क्या है, होमोजेनिटी एंड स्टेबल मेंबर्स होने चाहिए, होमोजीनियस नेचर के मेंबर होने चाहिए। लोकेशन ऑफ द ग्रुप भी इसमें मैटर करती है कि ग्रुप की लोकेशन क्या है, ग्रुप का स्टेटस क्या है, ग्रुप का लीडर कैसा है, आउटसाइडर प्रेशर कितना है ग्रुप पर और आपस में कंपटीशन कितना है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि ग्रुप में कोहेसिवनेस कितनी ज़्यादा है। ग्रुप कोहेसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रुप कोहेसिवनेस टेकन टुगेदर विद ग्रुप नॉर्म्स फॉर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। जो ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और कोहेसिवनेस है वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। दिस रिलेशनशिप वॉज इस्टेब्लिश बाय हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट। पीछे हमने जब मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी थी वहाँ पर हमने देखा था कि हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट हुआ था, एल्टन मायो ने किया था हैथ्रोन प्लांट में। वहाँ पर ग्रुप कोहेशन का भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने क्या देखा? इट वॉज फाउंड दैट वर्कर्स टेंड टू सेट देयर ओन नॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ग्रुप एज अ होल एंड बिकॉज ऑफ ग्रुप कोहेशन दे यूज टू स्टिक टू दिस नॉर्म। ग्रुप कोहेशन एंड प्रोडक्टिविटी शोज टू टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जितने ग्रुप में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन उनके खुद के बनाए हुए होंगे उतना ही उनकी कोहेशन ज़्यादा होगी और रूल्स के प्रति वो स्टिक भी रहेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रेज होगी। ग्रुप को प्रोडक्टिविटी में उनकी टू टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोहेसिव ग्रुप टेंड्स टू बी मोर यूनिफॉर्म। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है जो वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है। दिस इज सो बिकॉज हाई ग्रुप कोहेसिवनेस प्रमोट्स कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडिविजुअल मेंबर एंड दिस रिड्यूसेस द वेरिएशन अमंग दोज मेंबर्स। इसमें क्या है, उनको लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है तो उनका जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनका वेरिएशन है जो वो कम हो जाता है। इन द ग्रुप विद लो कोहेसिवनेस प्रोडक्टिविटी टेंड्स टू शो वाइड वेरिएशंस अमंग मेंबर्स रिफ्लेक्टिंग दैट द ग्रुप हैज़ लोअर सोशल कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर। जहाँ पर कोहेशन लो होती है वहाँ पर वाइड वेरिएशन पाई जाती है और उनका जो सोशल कंट्रोल है वो भी कम हो जाता है। आइए हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टास्क दिए गए हैं हमें, यहाँ पर कोहेशन दी है। नंबर ऑफ टास्क अगर हाई होंगे और कोहेशन लो है तो वैरायटी ऑफ टास्क हैं जो सिमिलर नेचर के परफॉर्म होंगे। अगर टास्क भी लो है और कोहेशन भी लो है तो फ्यू टास्क ही होंगे वो भी सिमिलर नेचर के। अगर कोहेशन भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टास्क भी ज़्यादा है तो वैरायटी ऑफ टास्क हम डिफरेंट नेचर के परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोहेशन हाई है, नंबर ऑफ टास्क लो हैं तो फ्यू टास्क ही डिफरेंट नेचर के परफॉर्म कर पाएंगे हम। वी मे सी दैट फॉर हाई प्रोडक्टिविटी बोथ ग्रुप कोहेसिवनेस एंड परफॉर्मेंस नॉर्म शुड बी हाई। अगर हम
चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो हम चाहेंगे कि परफॉर्मेंस नॉर्म और कोहेसिवनेस दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, जो आज हमने पढ़ा वो ग्रुप कोहेशन और कोहेसिवनेस विद प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ा है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।